हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा बच्चों, ये बताइएगा, आपको मेरी याद आती है क्या? आती हो? मैम की याद आती होगी ना, मुझे भी पता है, क्योंकि मैम भी आपको बहुत याद करती है ना। तो ठीक है, चलो याद के साथ साथ मैम के साथ साथ कुछ वर्क करते हैं। कि इसके पहले मैंने आपको कल बुक में वर्क दिया था ना, जो वीडियोज आपको सेंड किए थे, तो उस वीडियो में मैंने आपको क्या दिया था? वन और टू। क्या दिया था? वन और टू। तो हो सकता है वो वन और टू आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कर लिया होगा ना अपनी मम्मा के साथ। ओके बच्चे, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट पेज में आपको फिर टू पेज वर्क मिलेगा, और वो नेक्स्ट पेज टू पेज वर्क क्या होगा? तो ये बुक नंबर है ना आपकी, बुक का नाम है नंबर बुक। क्या नाम है? नंबर बुक, मतलब मैथ की बुक, ठीक है ना। नंबर में जानते हो ना, मैथ में बोलते हैं ना 1 2 3। तो ये हो गई आपकी नंबर बुक। और नंबर बुक में बेटा पेज नंबर क्या है आपका? 6। क्या है पेज नंबर 6? तो 6 में बेटा क्या है? 3 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 3। तो अब आपको ये देखना है कि 3 के साथ साथ ये 3 पिक्चर्स क्या बने हुए हैं। बेटा पिक्चर्स देखो क्या बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं? मंकीज। क्या बने हुए हैं? मंकी मतलब बंदर। तीन बंदर तो बनेंगे ना, 1 2 3। तो ये लिखा है TH RII या TH RII, इसको बोलते हैं 3 मंकी। तो सबसे पहले आपको जैसे कि 3 है ना, अगर 3 आइसक्रीम बनी हुई है ना, तो आपको 3 आइसक्रीम, आपको 3 आइसक्रीम काउंट करना होगा। ओके, आपको 3 आइसक्रीम काउंट करना होगा। 1 2 3। ओके, तो आप इसको काम करोगे 1 2 3। तो ये आपका क्या हो गया? 3। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बनाना है बेटा? 3। तो ये 2 लाइन तो आपकी बिंदु से है, और उसके बाद रेड पॉइंट रखा हुआ है, उस पॉइंट में आपको 3 कंप्लीट कर देना है। ओके, अब इसमें देखिएगा 3 के साथ साथ पेज नंबर 7। पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 7 में आपको देखो इसमें क्या बना हुआ है। पेज नंबर 7 में क्या पिक्चर बने हुए हैं, अब आप इन पिक्चर को देखिएगा। ओके, लुक एट द बुक, अटैक बुक में देखिएगा। ओके, अब इस बुक में आपको ये देखना है कि ये 4 पिक्चर क्या है। व्हाट इज पिक्चर? पिक्चर क्या है? दिस इज ए गोट, बकरिया है। दिस इज ए गोट, यह एक, दिस इज गोट मतलब यह बकरिया है। अब आपको इसमें देखना है कि ये बकरी कितनी है। 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 चीजें क्या है? 4 मछलियां बन रही है। ओके, 4 पीसेस मतलब 4 मछलियां। अभी आपको इन मछलियों को इस चीज को काउंट करना है, 1 2 3 4। ओके, टोटल कितने हुई? 4। टोटल कितने हुई? 4। तो ये आपका क्या हो गया? 4। ओके, तो इसमें भी 4 गोट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 4 गोट्स मतलब 4 बकरियां। ओके, अब इन 4 बकरियों को आप 4 को इस तरीके से इसमें लिखा है वी से, पहले इसको देखो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन आप इसको देखोगे ना, इसके जरिए आप जब करोगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। वैसे भी इजी है, आप ये लाइन खींचना, इसके बाद एक छोटी सी लाइन इधर कर देना, इसको कर देना। ओके, या तो खुद ये लाइन खींचना, यहाँ से पॉइंट लगवा लेना अपनी मम्मा से, यहाँ से ऐसे कर देना। ये हो गया 4। ओके, तो इसमें ये 4, ये सारे 4 है। तो 2 लाइन में क्या है? डॉट से बने हुए हैं बिंदु से, और बाकी लाइनें आपकी सिंपल बने हुए हैं। तो उसमें आपका रेड कलर का पॉइंट लगा हुआ है, तो इस रेड कलर के पॉइंट की सहायता से, इसकी हेल्प की हेल्प से आपको क्या बनाना है? 4। क्या बनाना है? 4। तो आप इस 4 को, 3 और 4 को, ये 2 नंबर है, 3 एंड 4। 1 और 2 तो आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे।
और 3 और 4 आपको अब इस वीडियो में कंप्लीट करना है बेटा। तो इस होमवर्क में आपको 3 और 4 होमवर्क मिलेगा और इस 3 और 4 को आपको बुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, इसको कंप्लीट करने के साथ साथ ये पिक्चर्स बनी हुई है, इस पिक्चर को आप एक बार मम्मा के साथ काउंट करना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, और इस पिक्चर को काउंट करना तो इसको पता चल जाएगा कि ये टोटल पिक्चर कितनी है। जितनी पिक्चर होगी आपको उतने ही नंबर बोलना होगा। ओके बेटा।